नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो यानी कि ये ब्लॉग गंगानगर जाने का है, और उससे अगली बार यानी कि मैंने एक पार्ट डाला था, अब सेकंड पार्ट ये है। तो यहाँ से हमारी फिर से जर्नी स्टार्ट होती है गंगानगर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, यहीं से ब्लॉग ख़त्म किया था, और खाना वगैरह खा करके दोबारा से हम लोग फिर चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग गाज़ियाबाद पहुँच पाए थे, अब गाज़ियाबाद के हम सब लोग आगे जा रहे हैं। अभी दिल्ली मिलेगी, दिल्ली से होते हुए हम लोग गंगानगर के लिए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, इससे क्या होगा जो नया ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी आप उसको फटाफट से देख पाओगे। तो चलिए चलते हैं, और आप भी मेरे साथ में इस जर्नी का लुत्फ़ उठाइए। और गंगानगर आप देखिए किस तरह की तरीके का शहर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ जो लोग नए जुड़े हैं कि यहाँ पे मेरी बेटी गंगानगर में BDS करने के लिए जा रही है, और हम लोग उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं विद सामान के। गाड़ी में सारा सामान भरा पड़ा है, और उसी को हम लोग सामान को छोड़ने जा रहे हैं और बेटी को भी छोड़ने जा रहे हैं गंगानगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोग दिल्ली से निकल रहे हैं, और ये पूरा रात यानी कि पूरी रात की जर्नी हो गई है। अब सुबह करीबन ये 5 बज रहे थे सुबह के, तो अभी भी दोस्तों हम लोग गंगानगर नहीं पहुँचे हैं। और आप भी देखिए सुबह सुबह का नज़ारा लीजिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी, और भी सुबह हो गई करीबन 9-10 बज रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो दुकान भी नहीं खुली है, ये दुकानें हैं वो खुली नहीं हैं। और देखिए अभी यहाँ से हम लोग गंगानगर नहीं पहुँचे हैं। और दोस्तों किस किस को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको किस टॉपिक पर यहाँ पर आप देख सकते हैं गली थी, क्योंकि रात पर सोते पाई नहीं, बिल्कुल भी सोना नहीं हुआ। और दिल्ली में मैं बच्चों काम करूं, आप लोगों की जगह है, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई ना, दिल्ली में बच्चों काम करूं। रास्ते में कुछ चाय पी ली दोबारा, ठीक है, वहीं से खाना खा लिया, कुछ नहीं है, चले गए हम लोग। और मेरी हालत खराब हो गई, ऐसा लगा मुझे चाय मिल जाए तो हम फ्रेश हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड तो लगा था गंगानगर का, था वो आगे भी गंगानगर का लिखा था, लेकिन अभी चाय इसी रोड पे होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह की मेरी चाय पीने की आदत है, चाय मिल जाए तो शरीर चलता है, अदरवाइज शरीर नहीं चलता है। आप देख सकते हैं मेरी हालत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की दुकान आ चुकी है, तो यहाँ पे हम सभी लोग चाय पी रहे हैं, और चाय पी करके फ्रेश होकर के हम सभी लोग आगे निकलेंगे। यहाँ पर निकल रही थी गाड़ियाँ, जैसे कि पुराने समय में नहीं जीप वगैरह चलती थी, खुली हुई मेटाडोर जीप ये चलती थी, अभी सारी सब मैं आराम से देख रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चेहरे को, यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, मैंने चाय पिया और फ्रेश हो गई। और यहाँ पर चल रहे हैं गाने, गाड़ी में गाने लगा दिए हैं, तो इसलिए मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने कहीं पर भी आवाज़ नहीं खोल पाए हम। तो यहाँ पे चाय पी करके मैं फ्रेश हो गई थी, और अब हम यहाँ से चाय पी करके अब चलेंगे हम गंगानगर के लिए यानी कि कॉलेज के लिए। तो चलिए आप भी साथ में बने रहिए, और मैं यहाँ पे बोल रही थी तो मैं बोल रही थी तो यहाँ पे गाने चल रहे थे, इसलिए मुझे आवाज़ अपनी बंद करनी पड़ी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, और दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से दोबारा से चल दिए हैं गंगानगर के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चाय पी करके कितनी फ्रेश हो चुकी थी। और दोस्तों जब आप अपनी बेटी को छोड़ने जाते हैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए, तो आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। क्योंकि अपनी लड़की को बाहर कहीं छोड़ के आओ तो कैसा लगता है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पर हम लगभग लगभग गंगानगर के लिए पहुँच चुके हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कॉलेज। तो ये देखिए यहाँ पर हम सभी लोग आप पहुँच गए हैं कॉलेज में, और चलिए अब चलते हैं गेट के अंदर। तो गेट पर यानी यहाँ पे गेट पर एंट्री हुई है, साइन वगैरह लिया गया है, उसके बाद हम लोग अंदर जा पा रहे हैं। एडमिशन हमारा पहले से ही था, लेकिन अब हम अपने बच्चियों को छोड़ने गए हैं। मेरी बेटी थी और इसकी फ्रेंड और थी, दोनों बच्चियाँ, वो भी उनके माँ बाप भी हैं और हम लोग भी हैं। तो ये देखिए हम सभी लोग जा रहे हैं, ये पार्क है पूरा कॉलेज का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मेन गेट है यहाँ पे, मतलब मेन गेट यहाँ से तो हम लोग घुसे थे,
अभी इधर हम लोग जा रहे हैं अंदर ऑफिस के लिए। ये देखिए सभी लोग चल रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बैठे थे वेटिंग रूम में, और इन लोगों ने जो प्रोसेस था वो ऑफिस में जा कर के पूरा किया, और उसके बाद में हम सभी लोग चले गए रूम देखने के लिए। उसका मैं रूम का मैंने क्लिप बनाया है, तो ये देखिए यहाँ हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ये सभी लोग हैं, ठीक है ना। ये स्टूडेंट खड़े हैं, सारी बच्चियाँ खड़ी हैं, और ये काम कर रहे हैं। अरे ये जाएंगे कहीं बहुत दूर, स्कूल में जो पूरे आलवर्ड तो वो लोग हैं, इन लोगों ने सामान रखा सारा कमरे में, और ये देखते सभी लोग इतना थक गए थे। क्यों वीडियो चली है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सही थी आंटी, वीडियो को बना रही हूँ, सब सब में जाएगी, फेसबुक यूट्यूब सब चीज़ में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, और सामान भी सारा हो गया फिनिश। अब हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं है रुकना। सभी लोग हैं, ये पूरा रूम है, अलमारियाँ हैं। अब हम सभी लोग थोड़ा सा रुके थे, शाम तक रुके थे, और उसके बाद हम सब लोग चल दिए कॉलेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और चलने के लिए तैयार है। इतना थक चुकी थी और वहाँ पे सारा काम करते रहे तो ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई मैं कॉलेज का। तो यहाँ पे देखिए हम सभी लोग सारा काम करके वहाँ से निकल लिए हैं लड़की को छोड़ करके। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग था, और पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अब बच्ची यहीं पढ़ेगी और देखेंगे जब छुट्टियाँ होंगी तो आएगी, अगर छुट्टी मिल गई कॉलेज से तो, अदरवाइज यहीं तो रहना ही है। अब दोस्तों ये 5 साल का कोर्स है और इनको करना होगा। चलिए